बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान हैदर आप सबको पाकिस्तान करंट अफेयर में खुशामदीद कहता है। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जुवेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक की गई है और कौन सी वो वजूहात हैं जिनकी बेसिस पे मौजूदा जनरल साहब जो हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया गया है और साथ साथ इनकी जो कामयाबियां हैं, फ्यूचर में जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे और थोड़ी सी हिस्टोरिकली देखेंगे कि कौन सी आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान की तारीख में जिनकी मुद्दत मुलाजमत में दोबारा से इजाफा हुआ और कौन से आर्मी चीफ जो है वो तवील तरीन अरसे के तौर पर जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे। तो पहली बात तो ये है कि जो मगालते पाए जाते हैं या जो ये हमारे सामने मुख्तलिफ़ किस्म की हदशात आ रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख़बरें आ रही हैं कि शायद आर्मी चीफ़ के तबादले से या आर्मी चीफ़ की कमान की अगर तब्दील कर दी जाती है तो उसके बाद से क्या कोई अदारे की पॉलिसीज के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि अदारे की पॉलिसीज़ के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारी बहादुर मुसल्ला फौज है इसमें जितने भी जर्नैल हैं वो बड़ एक दूसरे से बढ़कर काबिलियत और अहलियत रखते हैं। लेट वी वी क्लियर, ये चीज़ हम सबको जो है क्लियर रखनी चाहिए अपने माइंड में। ये बात ठीक है कि हर इंडिविजुअल पर्सन्स का एक अपना विज़न होता है, एक अपना लेवल ऑफ थिंकिंग होता है, एक अपनी सोच होती है, लेकिन जो हमारी मसल्ला फौज है इसके आर्मी चीफ जितने भी तब्दील हों उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता। और थोड़ा सा अगर हम तारीख की तरफ जाएं, थोड़ा सा हम तारीख की तरफ झांकें तो ये बात हमारे सामने आती है कि माजी में एक और आर्मी चीफ साहब थे जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत में इसी तरह से सिविल हुकूमत ने तौसीक की है। इससे पहले अगर हम जाएं जनरल ज़िया साहब के दौर में तो जनरल ज़िया एक ऐसे आर्मी चीफ थे कि जो कि अपनी मुद्दत मुलाजमत में अजहूब तौसीक करते रहे। आठवीं तरमीम के तहत उन्होंने इख्तियार अपने आप के पास रखा हुआ था कि वो जब चाहें अपनी मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक करते रहें और वो 12 साल पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे ज़्यादा दुरानिए के लिए जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हैं वो जनरल ज़ियाल हक रहे हैं। और 17 अगस्त 1988 को जब उनके त्यारे को हादसा दरपेश आता है तो उस वक़्त फिर जो है वो कमान छोड़ते हैं। उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब की अगर हम बात देखें, 1999 को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को घर भेजा गया 12 अक्टूबर 1999 को, तो जनरल मुशर्रफ साहब जो है उन्होंने भी 17वीं तरमीम के तहत अजहुब जो है अपनी मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक करते रहे और 2007 में वो गए। तो उसके बाद उन्होंने फिर जनरल शौक प्रेज कानी को नामजद किया। तो इस तरह से ये एक सिलसिला चलता रहता है, इसलिए अदारे की जो पॉलिसीज हैं उसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ हमें जो है वो जहन में रखनी होगी और ये हमें क्लियर करनी होगी। दूसरी बात ये है कि मौजूदा जो बाजवा डॉक्ट्राइन है वो ऐसी क्या डॉक्ट्राइन है कि इससे थरथराता है हिंदुस्तान भी थरथराता है, चाहे दुश्मन बैरूनी महाज पे हो या चाहे अंदरूनी महाज पे हो, थरथराता है। और अभी जो मुद्दत मुलाजमत में तस्दीक हुई है इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो हिंदुस्तान को हुई है। और एक तबका अंदरूनी तौर पर भी है लेकिन मैं उनको उस लेवल का दुश्मन नहीं समझता जो जिस लेवल का हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। तो ये चीज़ें हमें जो है वो जहन में रखनी होगी। तो बाजवा डॉक्ट्राइन जो है इसको थोड़ा सा अगर मैं तशरीह करूँ इसकी तो ये है कि इन्होंने ना सिर्फ दफाई लिहाज से पाकिस्तान को महफूज रखा, पाकिस्तान की सलामती पाकिस्तान की बका को बरकरार रखा, बल्कि माशी लिहाज से भी पाकिस्तान को जो है वो अपनी मामलत फराहम करते रहे और मुख्तलिफ़ अवकात में वो इसका इजहार भी करते रहे।
حکومت نے جو جسٹیفیکیشن پیش کی ہے موجودہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی، حکومت نے یہ کہا ہے کہ علاقائی سیکیورٹی، افغانستان کی صورتحال، کشمیر میں روز بروز ڈینجرس ہوتی صورتحال اور اندرونی محاذ پہ درپیش چیلنجز، دہشت گردی وغیرہ، اور اس طرح کے کئی فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ان کو توسیع دی جا رہی ہے، اور اس کے تسلسل کے لیے لازمی ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو توسیع دی جائے۔ تو اگر بیلنس ہو کر میں بات کروں تو یقیناً یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے جنرل باجوہ صاحب نے کمان سنبھالی ہے تب سے اب تک پاکستان میں جو ہم ایک ہمارے اندر جو حساس تحفظ ہے وہ بڑا ہے، اندرونی طور پہ بھی کچھ مذہبی عناصر جو کہ سامنے آ رہے تھے، ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہے تھے، ان کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ بیرونی طور پر جب ہندوستان نے پاکستان میں 1971 کے بعد پہلی دفعہ جارحیت کی، بالا کوٹ کے مقام پر انہوں نے مس ایڈونچر کیا، تو اس کے بعد سے جس طرح سے ہماری آرمی نے ان کو رسپونڈ کیا وہ لائق تحسین ہے، اور یہ ہے باجوہ ڈاکٹرائن۔ ان کے پائلٹ کو نہ صرف ہم نے گرفتار کیا بلکہ ان کو دو جہازوں کو گرایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ بالا کوٹ میں آ کر درختوں اور ایک سوکھے سے مطلب جگہ تھی، ایک ویران سی جگہ تھی، اس کو وہ جو ہے نشانہ بنا کر چلے گئے، اور اپنے ملک میں جا کر انہوں نے اپنی عوام کو معمول بناتے ہوئے کہا کہ ہم نے 300 دہشت گردوں کو مار ڈالا ہے، یہ ان کا یہ بیان تھا۔ لیکن اس کے جواب میں جب ہماری فوج نے جس طرح سے ان کو رسپونڈ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باجوہ ڈاکٹرائن کا ہی کارنامہ ہے، اور یہ باجوہ ڈاکٹرائن ہی ہے کہ جس کی بدولت جو ہے پاکستان نے ایک بڑا چیلنج جو کہ ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، جارحانہ اٹیک کیا، فضائی اٹیک کیا، اس کو کاؤنٹر کیا، اور اس کے فوری بعد پھر معاملات کو وہ سفارتی سطح پر لے گئے، سفارتی سطح پر انہوں نے اس معاملے کو ٹھنڈا کیا اور جنگ کا تجربہ وہ ٹل گیا۔ اور آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پاکستان نے ہندوستان کو زبردست رسپونڈ کیا، تو اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان کے بہاول پور میں جو ہے مزائل داغنے کا پلان بنایا تھا، جس کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، ہماری ISI نے، ہماری فوج نے بر وقت پتہ لگایا اور ان کو پیغام دیا کہ جی اگر آپ نے حماقت کی، ہمارے یہاں مزائل داغنے کی، چار مزائل داغنے کی حماقت کی، تو ہم 12 مزائل داغیں گے۔ یہ تھی باجوہ ڈاکٹرائن۔ ہم افغانستان کی طرف آتے ہیں، افغانستان سے پاکستان میں جس طرح سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے، افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے تھے، ابھی تو ہر اس میں تھوڑا سی کمی واقع ہوئی ہے لیکن ماضی میں اس میں ایک بھرمار تھی۔ ماضی میں افغانستان سے مداخلت یہاں پر ہو رہی تھی، کسی سے یہ کوئی ڈھک چکی بات نہیں ہے، تو انہوں نے باڑ لگائی افغانستان کے ساتھ، جو سرحد ہے اس میں باڑ لگانے کی بات کی اور لگائی جا رہی ہے، اور ابھی الحمدللہ پاکستان کا جو وسترن بارڈر ہے، مغربی بارڈر ہے، اس میں کافی حد تک جو ہے جو چین ہے، امن ہے، وہ واپس لوٹ آیا ہے۔ یہ اہم چیز ہے، اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں گنوا رہا ہوں آپ کی کامیابیاں جو کہ جنرل قمر جید باجوہ کی قیادت میں ہم نے گین کی، ہماری فوج نے گین کی حکومت کے ساتھ مل کر۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں، اس طرح کی جو فیکٹس ہیں، اعداد و شمار ہیں، ان کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یقیناً جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ اب امریکہ جو افغانستان میں لڑ رہا ہے، پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہا ہے، 2001 میں افغانستان میں آیا، سپر پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، اتحادی، نیٹو، کئی ممالک اس کے ساتھ ہیں، بڑی پاورز ہیں، تو طالبان نے ان کو یہاں سے بھگانے پر مجبور کر دیا، اور اب ماضی میں پاکستان کو جو ہے امریکہ جو ہے جس طرح سے وہ ٹیشو پیپر استعمال کر کے نہیں پھینک دیتے، اس طرح سے پھینکتا تھا، اس دفعہ کیا ہوا کہ امریکہ پاکستان کی منتیں کر رہا ہے کہ ہماری افغانستان سے جان چھڑاؤ، ہمیں سیفٹی اور وقار طور پہ، عزت کے طور پر افغانستان سے نکلنے کا موقع فراہم کرو، ہماری مدد کرو۔
माजी में यही अमरीका कहता था ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते थे कि पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया, हमारी इमदाद बंद कर दी। लेकिन आपने देखा कि जब इमरान खान साहब अमेरिका में गए तो किस तरह से उनका तरीही इस्तकबाल किया गया, किस तरह से पाकिस्तान के हित्ते में अमन बहाली के हवाले से जो पाकिस्तान का करदार था उसको किस तरह से उन्होंने एडमिट किया। तो ये क्या था, ये भी बाजवा डॉक्ट्राइन था, ये उसी का हिस्सा था। मैंने पहले कहा पहले हिंदुस्तान को हमने काउंटर किया, मुल्क से अंदर दहशतगर्दी का जो एक लानत थी उसको ख़त्म किया, मुल्क में डेली बेसिस पे धमाके हो रहे थे उसको ख़त्म किया, अफगानिस्तान से मदालत को ख़त्म किया, अब अमेरिका को वहाँ पे भगाने पर मजबूर कर दिया, तालिबानों ने किया। लेकिन उसमें वो अब हमारी मदद क्या रहे हैं, मतलब हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, कि उनको पता है कि हमारा एक अपना एक दायराकार है, हमारी एजेंसीज का अपना एक दायराकार है, हमारे पाकिस्तान का जो असर सू है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं है। तो ना सिर्फ अस्करी सतह पर बल्कि माशी सतह पर भी हमने बेशुमार कामयाबियां समेटी हैं जनरल कमर जुनेद बाजवा की जब से उन्होंने कमान संभाली है। तो अब इस सलसल को बरकरार रखने के लिए अब चूंकि मकबूजा कश्मीर का खसूसी स्टेटस बंद कर दिया गया है, वहाँ पर 70 लाख कश्मीरी को घरों में मसूर कर दिया गया है, उनसे जीने का मुकम्मल हक है, जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं उससे उनको महरूम कर दिया गया है। तो साथ साथ जो है वहाँ पे जो एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, नस्ल कशी हो रही है, उसकी गलियाँ कूचे खून से लथपथ हैं, इस तरह से उन्होंने वहाँ पर एक खून की नदियाँ बहाई हैं कश्मीर में, और अब वो ये सोच रहे हैं कि जो वो अब आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। तो जब ममालिक खालिद जंग में होते हैं तो फिर जो कमाने हैं कमांडर्स की वो तब्दील नहीं की जाती। ये चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब तब्दीली कर देते हैं आप कमांडरों की तो फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है, सेटल होने में काफ़ी टाइम रिक्वायर होता है। तभी हमारे ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो हमारे ऊपर हमें प्रेशर है या सबसे ज़्यादा हमें खतरा है वो हिंदुस्तान से है, तो इसको काउंटर करने के लिए बाजवा डॉक्ट्राइन जो है वो लाजमी है। और अंदरूनी तौर पर भी अब देख रहे हैं कि करप्शन का लाफ भी जारी, जंग जो है वो भी जारी है, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो किसी भी ढका छुपा नहीं है, और नैब जिस तरह से बड़े ताकतवर लोगों को पकड़ कर जेल में डाल रहा है। तो ये सारा मैं समझता हूँ कि मैं आहर में सलाम अर्जी करता हूँ इस बाजवा डॉक्ट्राइन को, और जो लोग इसकी मुहालफत कर रहे हैं मैं कह रहे हैं कि जी बाकी जर्नैलों का हक तलफी हुई इनको बना दिया, तो मैं बताऊं कि जब जनरल बाजवा को बनाया गया था तो 3 जर्नैलों को छोड़कर मियां मोहम्मद नवाज़ साहब ने इनको बनाया था, इनको आर्मी चीफ बनाया था, तो क्या उस वक्त हक तलफी नहीं हुई थी। तो इसलिए आप आवाम को आप बेवकूफ़ बनाना बंद कर दें, हम सब समझते हैं, हम सब देखते हैं। तो ये था जी आज का टॉपिक, इंशाल्लाह मज़ीद किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।